पन्ना परिवर्तन एवं विकास मंच के द्वारा आहूत ये संगोष्ठी, जिसका विचार आज से 8 दिन पहले हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष, बहुत ही युवा क्रांतिकारी और जुझारू साथी ब्रजेंद्र बुंदेला जी ने मुझे बताया, चर्चा भी की, और बहुत ही शॉर्ट इंटीमेशन पर जो पन्ना की क्रीम है, पन्ना के जो वाकई में जिनके दिलों में विकास की सोच है, जिनके अंदर ब्लड में कतरे कतरे में एक क्रांति का आगाज है, ऐसे लोगों को आज इस अवसर पर इनवाइट किया गया है। और मैं चाहता हूं कि आज तक जो आपने माननीय रामकिशोर मिश्रा जी ने जैसा बताया कि पहले जो हमारे पास था वो चला गया, माने किसी विरासत को हम संभाल नहीं पाए, कम से कम वो बढ़ा नहीं सके, तो घटना तो नहीं चाहिए थी, लेकिन वो घटती चली गई, और उसके बहुत सारे कारण हैं। राजनीतिक रूप से हम अपंगू रहे हैं, मंत्री विधायक सभी हमारे जिले को मिलते रहे, सांसद मिलते रहे, लेकिन बराबर हमारा प्रतिनिधित्व है जो लोकसभा में और विधानसभा में प्रॉपर तरीके से नहीं उठा पाया। जब हम चाहते हैं कि जो विकास का जो मापदंड होता है उसमें नंबर वन होता है हमारा हेल्थ का, स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे यहाँ पर एक अच्छा अस्पताल हो, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, स्वास्थ्य की समस्त सुविधाएं हमारे जिले को प्राप्त हो। दूसरा एजुकेशन एक दूसरा बहुत बड़ा मापदंड होता है। एजुकेशन के मामले में हमारे पास ये ऐसी जगह है जहां पर अभी यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव बीच में आया, हमारे लोगों के नाकारापन के कारण हम तो स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे, और दूसरे जिलों में चला गया। क्योंकि साथियों मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, आसानी से कहां नसीब होती है, मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, आसानी से कहां नसीब होती है, लेकिन बड़े बड़े तूफान रुक जाते हैं जब कश्तियां जिद पर होती है। और अगर भगवान पर भरोसा करोगे तो तुम वही पाओगे जो भगवान लिखेंगे, लेकिन खुद पर भरोसा करोगे तो वही पाओगे जो तुम चाहोगे। ये हमें हमारे यहाँ के कहना चाहिए आत्मविश्वास, हमारे प्रयासों की कमी रही है। और निश्चित रूप से अब आज का जो हमारा ये पूरा मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष हो, चाहे हमारे पन्ना विकास और परिवर्तन के लिए संघर्ष हो, इसमें सबकी एक जात, एक पांत, एक नाव, एक पतवार, एक धार, कोई भेदभाव नहीं, न दल का, न कर्मचारी का, न बाल, न अबला, न वृद्ध, किसी तरह का कोई भेद नहीं होना चाहिए। एक 10 वर्ष के बच्चे से लेकर और 95 साल के बुजुर्ग तक के लेकर के इस आंदोलन में हम लोग तन मन और धन से पूरी तरह से सहभागी बनेंगे। और एक संकल्प लेना होगा हमें सभी को कि केवल आज की गोष्ठी करने के बाद या हम 25 तारीख की रैली करने के बाद शांत न बैठ जाएं। जो मशाल आज जली है ये लगातार मशाल आगे जलती ही रहे, और अपने संघर्ष के लिए हम लोग अभी एक प्रत्यक्ष प्रमाण करके दिखाया सभी ने कि हम लोगों ने तालाब जो है करोड़ों रुपए की लागत का, जनता की इच्छा शक्ति, एक माननीय कलेक्टर महोदय के आह्वान पर करके दिखा दिया कि क्या हम सभी लोग मिलकर के मेडिकल नहीं ला सकते, कॉलेज नहीं ला सकते, और बहुत सारी इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भी एक मापदंड होता है विकास का। उसके लिए अभी कह रहे थे सीमेंट का उद्योग लग सकता है, सीमेंट के लिए हमारे लिए रॉ मटेरियल भी है, हमारे लिए गुनौर वाली साइट है, रेपरा, कुछ साइट ऐसी है जहां पर सीमेंट का उद्योग लग सकता है, संभव है, लेकिन उस तरह से अगर हम लोग प्रयास करते। लेकिन आज निश्चित रूप से हमारे सभी बुजुर्ग, सभी दलों के सभी क्रांतिकारी और सभी अपने अपने फन में माहिर लोग यहाँ पर बैठे हैं, निश्चित रूप से आज हम इस मुकाम पर आ गए हैं कि हमारे अंदर का जमीर जाग उठा है, और हमें संकल्प लेना होगा। हम तो हर वक्त हैं तैयार शहादत के लिए, मगर खून में जोश चाहिए, बगावत के लिए मेरे जुनू का नतीजा जरूर निकलेगा, इस चाय समुन्दर से नूर जरूर निकलेगा, इस चाय समुन्दर से नूर जरूर निकलेगा। साथियों बिना संघर्ष किए हुए कुछ संभव नहीं है, इसीलिए अभी राजा ने कहा घेराव करेंगे, आंदोलन को धीरे धीरे थोड़ा एग्रेसिव बनाना पड़ता है, साधारण ज्ञापन देना, साधारण रैली निकाल देना, ये जनरल बातें हो गई हैं, पुराने जमाने की बातें हो गई है। अभी शिक्षकों की 4 शिक्षिकाओं ने मुंडन करा दिया था, उसमें सरकार हिल गई थी, तो कुछ एक्स्ट्रा हटके करना पड़ेगा आपको। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ हटके करेंगे तभी निश्चित रूप से मान लीजिए हमारे पास युवा तरुण आई है, युवाओं में जोश होता है, वो अपने ढंग से आंदोलन करेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा आंदोलन का तरीका हो वो आवेदन निवेदन विनय नहीं अवरण होगा, संग्राम महाभीषण होगा। इस टाइप से हमें अपने विचारों को लेकर के तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुंडन तो पहले से करवाए, एक उदाहरण दे रहा था, मैं एक उदाहरण दे रहा था, पहले से तो उसके लिए हम तो पहले से करवाए, वो हमारे साथ चुकी, दुर्भाग्य की बात।
तो कहने का मतलब है कि बहुत अच्छी बात है, बड़े हर्ष का विषय है और निश्चित रूप से आज का हमारा ये जो मशाल है ये अपने अंजाम तक पहुंचेगी। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी से आग्रह, एक तो हम नहीं